आप ये नहीं सोचेंगे कि हम जो रूप ध्यान कर रहे हैं वो तो हमारे मन की कल्पना है, वो खाली चली जाएगी। आपके मन से कोई भी की हुई क्रिया कभी खाली नहीं जाती। तीन चीजें हैं, एक जड़, एक चेतन और एक जड़ चेतन का महाचेतन। जब हम जड़ में जड़ का ध्यान करते हैं, भावना बनाते हैं, तो हमें कोई फल नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे एक रसगुल्ला है गोबर का, गोबर के गुल्ले में आपने, गोबर का गुल्ला जड़ है तो जड़ गोबर के गुल्ले में आपने भावना बनाई असली रसगुल्ले की और उसको सेवन किया, तो क्या आपको असली रसगुल्ले का फल मिलेगा? नहीं। तो जड़ में जड़ की भावना बनाई, कोई फल नहीं। जड़ में चेतन की भावना बनाई। एक स्त्री है, उसके पति विदेश में है, ड्राइंग रूम में पतिदेव की फोटो है। कभी कभी याद आती है तो अपने पतिदेव की फोटो को देखकर और उसके साथ जो बीते हुए दिन उसका स्मरण करके, भावों को प्रकट करके वो पति को याद करके रोती है। यानी जड़ फोटो में चेतन पति का भाव बनाया। तो क्या पति वाला फल मिलेगा? पति तो विदेश में बैठा है, वो जानता ही नहीं कि ये यहां उसकी याद में रो रही है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है। तो जड़ में जड़ की भावना, कोई फल नहीं। जड़ में चेतन की भावना, कोई फल नहीं। अब जड़ में महाचेतन की भावना, महाचेतन कौन? जो जड़ में भी व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है, उस महाचेतन का नाम सुप्रीम पावर, भगवान जो कह लीजिए। जब आपने जड़ में महाचेतन भगवान की भावना बनाई तो क्या उसका फल मिलेगा? एक मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति है या कागज की फोटो है, वो तो जड़ है। अब उस जड़ फोटो में या जड़ मूर्ति में आपने भावना बनाई भगवान की। हम मंदिर जाते हैं, मूर्ति रहती है या यहाँ फोटो लगी है, इसमें हम भावना बना रहे हैं भगवान की, तो क्या फल मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि वो भगवान, चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे कागज की छवि हो, वो भगवान उसके कण कण में व्याप्त है। चलो आप ये भी नहीं मानते कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, ये तो मानते हैं कि आपके भीतर बैठे। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। दो सखा हैं, नित्य सखा, द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों एक स्थान में रहते हैं हृदय में, दोनों का नित्य नाता है, एक कर्म करता है, दूसरा कर्म का कर्म को नोट करता है एवं पिछले कर्मों के फल को भुगवाता है, दोनों नित्य सखा है।
और ये जो परमात्मा है ये दिव्य है, सर्वज्ञ है। तो जब वो भीतर बैठा है और आपने जब जड़ में दिव्य भगवान की भावना बनाई तो वो भीतर बैठा आपकी भावना को नोट कर रहा है। तो उसने आपकी भावनाओं को नोट किया और आपने जो दिव्य भावनाएं बनाई हैं तदनुसार आपकी दिव्य भावना अनुसार वो आपको फल देगा। आप रसगुल्ले को बुलाते हैं, उसके कान नहीं है, जड़ है, आएगा ही नहीं। आप रमेश को बुलाते हैं, हाँ कान है उसके पास, आपने बुलाया रमेश आ जा, पास में है, आ गया, लेकिन वही रमेश 10 मील दूर होगा। आपने कहा रमेश आ जा, नहीं आएगा, क्यों? लिमिटेड है उसकी श्रवण क्रिया, सीमित है। लेकिन जो असली रमेश है, जो भगवान है, आप उसको जब पुकारते हैं तो वो सहस्र कान वाला है, इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों का कार्य करने वाला है, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ वो भगवान जिसके सहस्र कान है और सहस्र जीवों की पुकार को सुन रहा है। आप पुकारेंगे सही सही, वो सुनेगा, यंत्र है। इसीलिए जब आप रूप ध्यान करते हैं और रूप ध्यान में आप जो भावना बनाते हैं वो दिव्य भावनाएं आपके भीतर बैठा भगवान नोट करता है और नोट करते हुए उसका फल भी देगा। इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि हम जो रूप ध्यान कर रहे हैं वो तो हमारे मन की कल्पना है, वो खाली चली जाएगी। आपके मन से कोई भी की हुई क्रिया कभी खाली नहीं जाती। आप जो सोचते हैं सब नोट हो रहा है और वो आपके संचित में जुड़ जाएगा। अनंत जन्मों में जो जो हमने सोचा सब है स्टॉक में, अच्छा सोचा बुरा सोचा कुछ खाली नहीं जाएगा। आप कहेंगे हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, किया तो नहीं बुरा, भगवान उसको नहीं देखते, आपके मन की क्रिया देखते हैं और उसका फल देखते देते हैं। तो रूप ध्यान करना है।